वही पूर्व मंत्री और कोटा उत्तर से विधायक शांति धारीवाल ने कोटा हज कमेटी की ओर से आयोजित यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन और प्रशिक्षण शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हज पर जाने वाले सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हज के अरकान पूरे करने में बात या हज यात्री के नाम के आगे हाजी लग जाता है। इस मुकद्दस सफर पर जाने का मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। उन्होंने सभी को हज यात्रा के दौरान देश में सुख समृद्धि और खुशहाली की दुआ करने की अपील की। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जिंदगी में शायद एक बार या दो बार ही हज होता है। जो हज कर जाता है उसके नाम के आगे हाजी लग जाता है, एक पदवी मिल जाती है एक तरह से। लेकिन फर्क आ गया। अब देखिए, पिछली बार तक आपका खर्चा कम हुआ करता था, आप कहते हैं 5 लाख रुपए पूरा लगता है, 1 लाख बढ़ गया उनको। वैसे ही कुछ लोग तुष्टिकरण की बात करते रहते हैं, तुष्टिकरण से अपनी रोटी सेकते रहते हैं कि तुष्टिकरण की बात करो तो कुछ ना कुछ खाए मिल जाएगा। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देश सबका है, एक का नहीं है।